Assalamu alaikum students, I am your teacher Miss Aliza. Today I am going to teach you mathematics chapter number 1 lecture number 5. Students, open your books and copies. Book page number 20. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट करवा दी थी पेज नंबर 16 की. नाउ आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 1D पेज नंबर 20. ठीक है. अच्छा जी, पेज नंबर 20 का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूजिंग द डीमेस रूल सॉल्व दीज. ठीक है, डीमेस रूल मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसको हम अगर ब्रेक करके पढ़ें तो डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है. यानी जब भी आप किसी भी नंबर को सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर उसके अंदर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर जैसे किसी के अंदर डी वाला यानी डिवाइड का साइन नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है तो फिर हमारे पास दो साइन है, जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे किसी में ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई यानी एम नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. यानी हमें इसे लाइन से ही फॉलो करना है. ठीक है, ए पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? 8 + 4 - 3. इसका सोल्यूशन मैंने क्या किया है? अच्छा, यहाँ पे पहले क्या बोल रहे हैं? ऐड बोल रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट बोल रहे हैं. इस टूल को याद रखिएगा. तो मैंने पहले क्या किया? ऐड किया. 8 के अंदर 4 प्लस किए 12, 12 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 9 आंसर आया. इसका मैंने एफ पार्ट सॉल्व करवाया, 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाय 5. इसका सोल्यूशन क्या बना है मेरे पास? पहले तो एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है. अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया है? इन दोनों को डिवाइड किया है, यानी 12 डिवाइडेड बाय 4. इधर क्या बोला जा रहा है? पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा. तो 12 को 4 से डिवाइड किया, 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 थ्री ज़ा 12, तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ लिख दिया. तो 3 5 ज़ा क्या हो गया? 15. ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाया है. सिंप्लीफाई दीज यूजिंग द डीमेस रूल. ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है. पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे. इधर क्या बोलना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3. भले ही डिवाइड का साइन बाद में आ रहा हो लेकिन डीमेस रूल के मुताबिक हमें डिवाइड पहले ही करना है. ठीक है, तो पहले मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन बता रहा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड पहले करना होता है. तो 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 के टेबल में 6 क्या आता है? 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो मैंने 2 लिख दिया, देन 12 एज इट इज़ उतारा था और 12 और 2 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. 12 टू सा क्या हो गया? 24 हो गया. इसी तरह डी पार्ट है, 108 को डिवाइड करना है 12 से एंड प्लस करना है 46. डीमेस रूल के अंदर पहले डिवीजन होता है तो हमें ये चेक करना है 12 के टेबल में 108 कब आता है. 12 के टेबल में 108 9 सा आता है तो मैंने 9 लिखा प्लस 46 ऐसे लिख दिया. 46 के अंदर 9 प्लस किए तो हमारे पास क्या होते हैं? 55. ठीक है, स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज डू पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4 BCDEGH पार्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 2 पार्ट सॉल्व करवाए हैं, ए और एफ. बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान है और बहुत छोटा सा इनका सोल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने कौन से पार्ट करने हैं? BCEFGH. क्वेश्चन 5 के अंदर मैंने ए और डी पार्ट सॉल्व करवाए हैं, ये भी ऐसे ही सॉल्व होंगे सिमिलरली जैसे मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर सॉल्व करवाएं. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों की कॉपी चेक थर्सडे को होगी तो काइंडली अपना प्रीवियस वर्क और आज का वर्क कंप्लीट कर लें नीट एंड क्लीन राइटिंग में और डेट लाजमी मेंशन करिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.